स्माइल कैसे करते हैं? अभी हम पर बात हुई। कितनी एज है आपकी? कितने ईयर के हो आप? 5 years। पढ़ते हो कौन से स्कूल में? बचपन। अच्छा जी, शिवांशी चौधरी है ना? शिवांशी चौधरी हमारे साथ हैं। और कहाँ से आए हैं आप? कौन से सिटी से आए हैं? हमीरपुर, हिमाचल से आए हैं। 5 साल का बच्चा है एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट शी हैज़ ऑलरेडी अंडरगोन 4 सर्जरीज। 4 हिप सर्जरी। आजिए आप भी आजिए। 4 हिप सर्जरीज। DDH यानी कि डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है एंड इट्स वेरी कॉमन इन गर्ल्स। इसमें कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को पता नहीं होता है, कई बार पेरेंट्स को पता होता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। और इस केस में ट्रीटमेंट भी प्रॉपर मिला, बड़े हॉस्पिटल में गए, पेरेंट्स की तरफ से कोई कमी नहीं थी, बट समहाउ कंप्लीट काम नहीं हो पाया। यानी कि हिप में 2 पार्ट होते हैं, एसेटबलम एंड फीमर, हम आपको भी एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इसमें फीमर की तरफ से काफ़ी काम हुआ है लेकिन पेल्विस की तरफ से यानी कि एसेटबलम की तरफ से काम नहीं हुआ है। डिस्प्लेजिया में क्या होता है, एक तरफ बॉल है एक तरफ सॉकेट, बॉल को सॉकेट के अंदर होना चाहिए, तो बॉल को तो अंदर डालने की कोशिश की गई लेकिन सॉकेट को ऊपर लाने की कोशिश नहीं की गई, इसलिए काम थोड़ा सा अधूरा रह गया एंड नाउ वी आर कंप्लीटिंग द जॉब। लेकिन ज़रूरत क्या है, बच्चा ठीक ठाक चल फिर रहा है, थोड़ा सा हल्का सा लिंप कर रहा है, इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूरत हमें पता चलेगी 15 साल के बाद, जब ये 18 से 20 साल का बच्चा होगा, तब जब इनका हिप धीरे धीरे आर्थराइटिक हो जाएगा, पेनफुल हो जाएगा और इनको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये सर्जरी करके बेसिकली शिवांशी का एक नेचुरल हिप प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि इनको कभी भी हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं। काफ़ी हिम्मत वाले हैं इनके पेरेंट्स की, जो जिन्होंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है इतनी सर्जरीज के बावजूद भी, एंड दे वॉन्ट हर टू बी परफेक्टली ऑल राइट। हमारी जिम्मेवारी कितनी ज़्यादा है आप समझ सकते हैं, छोटे बच्चे की जब सर्जरी होती है तो पेरेंट्स कितने एंग्शियस होते हैं, कितने उन पैनिक करते हैं कई बार कि बार बार सर्जरीज हो रही हैं, बट समवन हैज़ टू डू दिस जॉब एंड वी हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, हर बार ऑपरेशन कराते हो तो हर बार उम्मीद होती है, उम्मीद तो हर बार होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कहीं कमी रह जाती है। अब आपको इसके चलने में क्या कमी लग रही है? पैर ऊंचा करके चलती है। चल के दिखाओ बेटा। एक मिनट यहाँ आओ, चलिए आप यहाँ जाइए। सो यू कैन सी द लिंप ऑन राइट साइड, शॉर्टनिंग है। एक बार फिर दौड़ के जाओ, वेरी गुड, आ जाओ, गुड। शी हैज़ अडेप्टेड हर सेल्फ वेरी वेल, इधर आ जाओ, ऐसे टर्न करो, शी हैज़ अडेप्टेड वेरी वेल। लेकिन अगर बच्चा इसी तरह चलता रहा विद शॉर्ट लिम्ब तो धीरे धीरे स्पाइन के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा और जब जैसे जैसे बॉडी की इलास्टिसिटी कम होती है हिप जॉइंट तो खराब होगा ही, साथ साथ इनके स्पाइन के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ेगा। और बाद में जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, वेन दे आर अवेयर कि क्या हो सकता था, तो ये हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसलिए हम अभी से इनको ठीक कर देंगे। शिवांशी को हम देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं शॉर्टनिंग है, इट्स ऑलमोस्ट 1 inch। और शॉर्टनिंग अगर अभी 1 inch की है, जब बच्चे की लंबाई बढ़ेगी, जब ग्रोथ होगी, तो ये 1 inch धीरे धीरे 3 inch और 4 inch में कन्वर्ट हो जाता है। और उस टाइम पर जब बच्चों की ग्रोथ पूरी हो जाती है, इसको वापस लाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। धीरे धीरे होता क्या है कि पैर कमज़ोर हो जाता है, अभी भी डिफरेंस है, अभी भी डिफरेंस है, लेकिन अगर बच्चे को हम 15 साल वेट करते हैं, मैच्योरिटी तक वेट करते हैं, तो ये पैर और भी कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, नया हिप डालते हैं। पहली चीज़ तो हम आर्टिफिशियल हिप डालेंगे, दूसरा मसल वेस्टिंग को हम नहीं रोक पाएंगे, तो बच्चा बाद में भी थोड़ा थोड़ा लिंप करता रहता है कई सालों तक, तब जाकर बच्चे ठीक होते हैं। मूवमेंट्स देखते हैं, लेफ्ट साइड इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी मूवमेंट है। और इस साइड में, इस साइड में मूवमेंट थोड़ी सी कम है ना? ओके, पैर की उंगली चला के दिखाइए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैर थोड़ा बाहर की तरफ गिरा रहता है, ये पैर जैसे ऊपर की तरफ है लेकिन ये उंगलियां बाहर की तरफ हैं। कई सारे प्रोसीजर हो चुके हैं, काफ़ी सारी सर्जरीज हो चुकी हैं। ऑल राइट, चलो, क्या उम्मीद है हम सर्जरी करने जा रहे हैं, क्या क्या सवाल है आपके मन में इस टाइम? हम
तो वही लेके आए हैं कि हो जाएगी इस बार, मतलब इसके बाद आगे सर्जरी की जरूरत ना पड़े, सीधी सी बात है ना। ठीक है, तो इसमें अब की बार हम जो पेल्विस की साइड है, जो एस्टेबल, अब तो आप भी काफ़ी समझते हैं, बॉल है, सॉकेट है, सॉकेट की साइड काम करेंगे ताकि सॉकेट बॉल को पूरा कवर कर सके। कमी यहीं आ रही है कि बॉल अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं पर सॉकेट की तरफ से एफर्ट नहीं हो रहा है, तो हम सॉकेट की तरफ से काम करेंगे, जो कि थोड़ा सा इस सर्जरी से जो इसकी पहले हुई है उससे थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम जब तक नहीं करेंगे रिजल्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, ठीक है बेटा, कल करें फिर, कल करें, ठीक करें आपको कल, ठीक नहीं करना, नहीं करना, घर ले चले, बस घर जाना है, ठीक होके घर चले जाना। ठीक, तो DDH के एक पेशेंट शिवांशी का आज हम एक्सरे एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि कितने तरह के प्रोसीजर किए गए। 5 साल के बच्चे में 4 सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी हैं बट स्टिल देर इज़ नो रिजल्ट। क्या क्या किया गया हम सीक्वेंशली देखते हैं और इसमें क्या बेटर हो सकता था या अब क्या बेटर हम कर सकते हैं वो हम एनालाइज करेंगे। एक्सरे है शिवांशी का, कई साल पहले का है, 2019-2018 का एक्सरे है, जिसमें आप देखेंगे कि इधर हिप बिल्कुल बाहर पड़ा है सॉकेट से। अगर हम एक लाइन खींचे इस तरह से, इसको कैसे देखते हैं कि ये DDH है, एक चेक करते हैं, एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं और एक लाइन हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सिमिलरली यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप देखेंगे एक तरह से 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अगर आपका हिप ठीक है तो जनरली इस लोअर और इनर क्वाड्रेंट में रहता है हेड ऑफ द फीमर, ये हेड है, ये बॉल है, लेकिन अगर डिसलोकेटेड है तो ये अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो इसी से पता चल जाता है कि ये हिप डिसलोकेटेड है, नंबर वन एक चीज़ है ये देखने की। दूसरा, अगर हम सॉकेट की रूफ को एक एंगल बनाए, ये तो ये एक एंगल बन रहा है, और अगर इधर वाली रूफ के साथ हम एंगल बनाएं तो ये एंगल बन रहा है, तो आप एंगल में डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल बन रहा है, इधर ये मुश्किल से 25 या 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये वजह है दो, वन कि हमारा हेड बाहर की तरफ है, दूसरा जो सॉकेट बनी है वो यहाँ पर अच्छी कवरेज दे रही है, बहुत छोटा सा एंगल है, काफ़ी कवर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो एस्टेबलम है ओपन है, दैट मीन्स कि अगर हम हेड को अंदर लाएंगे भी तो ये फिर स्लिप हो जाएगा बिकॉज एसिटाबुलम इसको कवर नहीं कर रहा है पूरा। तो ये 2-3 चीज़ें हमें देखनी होती हैं DDH में कि क्या 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 कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सिंपल बॉल को सॉकेट के अंदर ले आएँ ये वापस चला जाएगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन, तो हमें कहीं ना कहीं इस एंगल को भी कम करना है। एनीवे, तो शिवांशी के पहली एक सर्जरी हुई, प्रोसीजर हुआ, जिसमें सिर्फ क्लोज रिडक्शन किया गया, प्लास्टर लगाया गया, लेकिन इट डिडंट स्टे देयर जैसा कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एस्टेबलम का एंगल काफ़ी ज़्यादा था, अराउंड 45 डिग्री था, तो ये फिर बाहर की तरफ चला गया। दूसरी सर्जरी की जिसमें KOI डालकर उसमें 2 वायर डालकर रोकने की कोशिश की गई, फिर भी वो नहीं रुका, फिर भी बाहर आ गया। फिर ये तीसरी सर्जरी की गई, तीसरी सर्जरी में जो फीमर है इसमें यहाँ पर ऑस्टियोटॉमी की गई थी और उसका एंगल अंदर की तरफ किया गया ताकि बॉल अंदर आ जाए। बॉल तो अंदर आ गई लेकिन अगेन वही एंगल जिसकी हम बात कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पर ये एंगल है और यहाँ पर ये एंगल है, अब ये एंगल चेंज नहीं हुआ तो इसीलिए बॉल अंदर नहीं गई, फिर धीरे धीरे बाहर आ गई है। तो आप इसे एक्सरे में देखें, ये काफ़ी बाहर आ गई है। अगेन थर्ड सर्जरी फेल्ड, फिर हुई फोर्थ सर्जरी में इस एंगल को और बढ़ा दिया गया, यानी कि फीमर को और अंदर डालने की कोशिश की गई, लेकिन हमारा जो एसिटेबुलम का एंगल है वो अभी भी ओपन है। ये देखिए, अगर इधर इतना है तो इधर अगेन एंगल इज स्टिल द सेम एंड देयर वाज नो चांस कि ये अंदर रुक पाता किसी भी तरीके से, ये अभी भी वहीं का वहीं है। एंड दिस इज़ द फाइनल एक्सरे, जिसमें आप देखेंगे हमें प्रॉब्लम वही है, हमें प्रॉब्लम को समझना है तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ये एंगल है और यहाँ पर एंगल है ये, तो जब तक हम एसिटाबुलम को इधर नहीं लाएंगे, ये एंगल कम नहीं करेंगे, तब तक बॉल अंदर नहीं रुकेगी। तो उसके लिए हमें पेल्विक ऑस्टियोटॉमी करना पड़ेगा और बॉल को एक अच्छी कवरेज देना पड़ेगा। तो यही हम प्लान कर रहे हैं कि इसमें हम पेल्विक ऑस्टियोटॉमी करेंगे ताकि एक अच्छी कवरेज मिले हेड को, तभी ये अंदर रुकेगा। और अगर बॉल अंदर रहेगी सॉकेट के, क्योंकि बच्चा डेवलपिंग बच्चा है
बॉल अगर सॉकेट में रहेगी तभी सॉकेट और बॉल का इक्वल डेवलपमेंट होगा, नहीं तो बॉल बाहर रहेगी, बॉल बड़ी हो जाएगी, सॉकेट छोटी रह जाएगी, उस बॉल को सॉकेट में डालना कुछ सालों के बाद इम्पॉसिबल हो जाएगा एंड अल्टीमेटली दिस पेशेंट विल गो फॉर हिप रिप्लेसमेंट एट द एज ऑफ 18, 19 और 20 ईयर्स ऑफ एज. सो दिस इज एक्सरे ऑफ आवर पेशेंट जिनमें DDH है, बहुत माइल्ड वेराइटी का है, शी इज 13 ईयर्स एंड द हिप इज सबलक्सेटिंग, यानी कि जो बॉल है इट्स गोइंग आउट ऑफ द सॉकेट, इट इज़ नॉट फुल्ली कवर्ड. अगर आप इस तरफ देखें तो बॉल इज़ फुल्ली कवर्ड बाय द एसेटेबलम, बट इधर एसेटेबलम सिर्फ यहीं पर है और ये आधा हेड बाहर है. तो फ्यूचर में इसमें आर्थराइटिस ना हो या ये हिप खराब ना हो, पेशेंट को हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े, तो इस एसेटेबलम को हम यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे. ये हम एक्सरे देख रहे हैं हेमलता का जो आजमगढ़ से आए हैं. शी इज 41, 41 साल उम्र है. जब ये 6 साल के थे तो इनको इस हिप में कुछ इंजरी हुई थी या इन्फेक्शन हुआ था, उनको याद नहीं अच्छे से. इसकी वजह से पैर की ग्रोथ पूरी नहीं हो पाई, एसेटेबलम भी पूरा नहीं बन पाया. आप ये देखिए इधर सॉकेट पूरा बना हुआ है, बॉल भी पूरी बनी हुई है, लेकिन इधर सब कुछ अधूरा है. ट्रोकेंडर ऊपर चला गया है, ये लेवल है, लगभग इतनी शॉर्टनिंग है इसमें. तो इसमें कितनी चीज़ें इसमें ख़राब हो गई हैं. पेल्विक टिल्ट है, ट्रोकेंडर ऊपर चला गया है जिसकी वजह से पैर छोटा है. बोन का जो डायमीटर देखो और इधर का डायमीटर देखो तो बहुत फ़र्क है, ऑलमोस्ट 40% का डिफरेंस है. ये सारी मसल शॉर्ट हो गई हैं. पेशेंट लंगड़ा कर चल रहा है, पैर छोटा है, ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं और पिछले 35 साल से ये पेशेंट ऐसे चल रहे हैं. अगर इनका हम उसी वक्त इलाज कर देते जैसे कि इन बच्चों के एक्सरे आपने देखे हैं, अगर ये उस स्टेज पर इनका इलाज हो जाता तो शायद इनको तकलीफ नहीं होती. तो इनका अब हमने क्या किया, इनका हमने हिप रिप्लेसमेंट किया. ये हमने रिप्लेस किया है, टांग बराबर हो गई है, देखिए बिल्कुल इक्वल है. ये नॉन सीमेंटेड स्टेम डाला, सब कुछ ठीक है. लेकिन जो बच्चे जिनके एक्सरे आपने अभी देखे हैं, इनका अगर हमें कोई चांस मिलता है, इस तरह के बच्चे अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं यंग एज में, तो इनको हमें उसी वक्त ट्रीट कर देना चाहिए ताकि इनका जो नेचुरल हिप है वही आगे चले जिंदगी भर और कभी भी हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े. तो हम ये जो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास इन्फेक्शन के साथ या डिस्प्लेजिया के साथ या फ्रैक्चर्स के साथ, उन सबको अभी से ट्रीट कर रहे हैं ताकि इनको ज़िंदगी में दोबारा ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, पैर कभी छोटा ना हो, इनका पैर कमज़ोर ना पड़े और ये लाइफ लॉन्ग अपने नेचुरल हिप के साथ चल पाए. तो उसके लिए हमें क्या करना है वो हम बताते हैं. ये शिवांशी का हम एक्सरे देख रहे हैं आफ्टर सर्जरी. इसमें ये नॉर्मल हिप है और इधर हमने सर्जरी की है. तो इसमें अब आप ध्यान से देखिए कि जो एसेटेबलम है वो अब ये आ गया है यहाँ पर. ये एसेटेबलम, अब एसेटेबलम यहाँ तक आ गया है और दिस इज द हेड. तो इसमें अब हमारा जो हेड है इज फुल्ली कवर्ड बाय द एसेटेबलम, क्योंकि हमने जो ऑस्टियोटमी किया यहाँ पर, ये ऑस्टियोटमी है, इसको पेल्विस को पूरा ऐसे रोटेट किया है ताकि ये उसको पूरा कवर करे. उस ऑस्टियोटमी को हमने 3 केवायर से फिक्स किया है. इसका भी एंगल चेंज किया फीमर का भी ताकि ये नीचे की तरफ आ जाए. तो बेसिकली हमने फीमर को इधर लाए हैं और एसेटेबलम को इधर, तो अब ये पूरी तरह कवर्ड है. सो दिस इज द हेड एंड दिस इज द सॉकेट एसेटेबलम. सो दिस इज एज गुड एज द नॉर्मल हिप. ये नॉर्मल हिप है तो इसमें और इसमें बिल्कुल एनाटॉमी सेम है. कुछ दिनों के बाद जब इसके मूवमेंट्स कराएंगे तो ये जो डेवलपमेंट है दोनों की रेसिप्रोकल डेवलपमेंट होगी. जैसे जैसे हेड डेवलप होगा उसी साइज के अकॉर्डिंगली एसेटेबलम डेवलप होता जाएगा और इस बच्चे को कभी भी हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इनका नेचुरल हिप अब अच्छी तरह से डेवलप कर पाएगा. आफ्टर फ्यू वीक्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स विल रिमूव द वायर्स एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स विल टेक ऑफ द प्लेट. सो दिस इज द फाइनल पिक्चर. दिस इज पेल्विक ऑस्टियोटमी प्लस फ्यूमरल ऑस्टियोटमी. तो ये हमने इनकी सर्जरी की है. शी इज जस्ट 13 ईयर्स. तो ये देखिए हमने एसेटेबलम को पूरा यहाँ तक लेके आए हैं प्लस साथ में यहाँ पर बोन ग्राफ्टिंग भी कर दी है जिसको शेल्फ प्रोसीजर कहते हैं. तो अब हमारा जो हेड है ये यहाँ तक कवर्ड है तो ये कभी भी बाहर नहीं जाएगा, इसमें आर्थराइटिस नहीं होगी एंड वी विल प्रिजर्व द ओरिजिनल हिप. इनको कभी भी हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्जन कि हम ठीक टाइम पर ये प्रोसीजर करें ताकि इन बच्चों को कभी भी आर्टिफिशियल हिप लगाने की ज़रूरत ना पड़े.